हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्र के नाच की इस क्लास में और सिलॉग के क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कल की क्लास में आपने देखा था कि किस प्रकार से दो स्टेटमेंट और साथ ही साथ उसके कई कंक्लूजन्स पर हमने बहुत बहुत विस्तृत चर्चाएं करी थी। आज की भी पूरी क्लास हमारी सिलॉग पर आधारित है और उसी की बातें करेंगे, उसी की चर्चाएँ करेंगे। छात्रगण, आज पहले सिलॉग में दो स्टेटमेंट पे कल हम लोग चार कंक्लूजन पांच कंक्लूजन सॉरी पर आपको लेकर के गए थे। आज की क्लास में हम सब उसी पड़ाव पर हैं और आपको कई सारे क्वेश्चंस करवाएंगे और साथ ही साथ आज हम तीन स्टेटमेंट की बातें करेंगे। बहुत ही मजे तरीके से सभी का हल आपको सिखाएंगे, वही 150 के रूल से, और कहीं कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है। साथ ही साथ छात्रगण, आपको मैंने कल ही बताया था कि एक और जगह पे हम सबों को काम करना है और वो जगह है ईदर पेयर की पहचान करना। एक ऑप्शन नंबर तीन था, ऑप्शन नंबर तीन कहता है या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो, कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। आइए आज उसकी पहचान क्रिएट करते हैं और उसकी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिंपल सा एकदम हम बोर्ड में आपको लिख दिए हैं ईदर पेयर की पहचान। ये आपका लिखा हुआ है ईदर पेयर की पहचान, सिलॉग चैप्टर है, टॉपिक है ईदर पेयर की पहचान। सिंपल एकदम याद रखिएगा, हिंदी में भी लिख दिए हैं या तो निष्कर्ष एक या दो, ठीक है ना। कुछ भी आपको काम नहीं करना है। देखिए, हमेशा आपको एक चीज दिमाग में रखना है, जो 150 का रूल बैठाते हैं आप बैठा लीजिए। सबसे पहले जो आप काम करते हैं सभी से है तो लैंप को मिलना है 100 और हमको कितना मिलना है 50। कोई से है तो दोनों कितना मिलना है 100-100। क्लियर हो गया। दोनों में कॉमन वर्ड है हुक और हुक, इसका 100 है इसका 50, यानी 150 मार्क्स आ गया। अर्थात इस 150 के रिस्पेक्ट में हम पूरे कथनों में कहीं से कहीं जा सकते हैं, मीन्स स्टेटमेंट मर्ज कर जाएगा। कल ही पूरा डिटेल्स पढ़ाए हैं, इसलिए एक ही चीज़ को बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा, चूंकि आप भी अच्छी तरह से पढ़ के आए होंगे आज की क्लास में। तो 100 और 50 ये दोनों आपस में क्या कर गया, मैच कर गया, मिल गया। इन दोनों बातों में जब पता चल गया कि इसका मान 100 से अधिक है, अर्थात ये दोनों कथन आपस में मर्ज कर जाएंगे, ये दोनों आपस में मर्ज कर जाएगा। चलिए अब देखते हैं कौन कौन निकलेगा, ठीक है ना। ये इनकम है, ये खर्च है। लैंप रंगीन, लैंप ऊपर है, रंगीन नीचे है। लैंप कितना रुपया का है, 100 रुपया का है। रंगीन कितना है, 100 रुपया का है। अच्छा सॉरी, यहाँ तो मार्क्स हम लोग बैठाए ही नहीं, 50-50 इसका 50-50, ठीक है। अब यहाँ पर लैंप कितना रुपया का है, 100 रुपया का, ये 50 रुपया का। रंगीन 100 रुपया का, रंगीन 50 रुपया का। आराम से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। देखिए, बावजूद हम इससे इसको खरीद ले पा रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं, आपने कल ही देखा कि सर आप इस एरिया को इनकम बोलते हैं और इस एरिया को आप खर्च करवाते हैं। आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे छात्रगण कि ये लैंप 100 रुपया का है, रंगीन 100 रुपया का है, सॉरी हुक्स 50 का 100 का, स्टेटमेंट मर्ज हो जाएगा। ऊपर लैंप है, नीचे रंगीन है, एकदम खरीदा जा सकता था। लेकिन आपको एक चीज़ और पढ़ाए हैं कि प्लस और माइनस का जो निष्कर्ष होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। कल हम पढ़ाए थे ना प्लस 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 माइनस माइनस। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट प्लस है और दूसरा स्टेटमेंट माइनस है, तो रिजल्ट जो वैलिड रिजल्ट होता है, जो इसका वैलिड रिजल्ट निकल करके आएगा, वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यही कारण है कि ये नहीं निकल पाया। अब आप कहेंगे सर कि नहीं देखिए, मेरा तो मेरे पास तो पैसा भी है, लेकिन नहीं, लेकिन ये दूसरे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। कल ही आपको मैंने एक कंडीशन पढ़ाया था कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल करके जो है वो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट प्रस्तुत करता है। अब आप बोलिएगा कि सर अगर, हाँ अगर ये मर्ज नहीं करता, अगर ये स्टेटमेंट मर्ज नहीं करता, तब ये निकल जाता। सिंगल स्टेटमेंट जो है, जैसे सभी लैंप हुक है, इसको हम कह सकते हैं कुछ हुक लैंप है, आराम से कह सकते हैं कुछ हुक लैंप है। देखिए, हुक उस स्थिति में कितना का होगा, 50 का, लैंप भी 50 का होगा, तो ये लिखा जाएगा। तो चूंकि सिंगल स्टेटमेंट से पॉजिटिव निकल सकता था, लेकिन चूंकि स्टेटमेंट मर्ज हुआ है, लैंप ऊपर है, रंगीन नीचे है, तो आप जान रहे हैं जब स्टेटमेंट मर्ज कर रहा है, स्टेटमेंट खुद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। कल ही आपने रिजल्ट पढ़ा है कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव हमारा नेगेटिव होता है। ये मैथ्स का भी रूल है कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो चूंकि स्टेटमेंट हमारा माइनस में निकलना है, इसलिए ये कथन नहीं होगा।
बहुत ध्यान से आज पढ़ने की आवश्यकता है छात्रगण। थोड़ी सी बारीकी अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देंगे, और इतना बहुमूल्य रूल जो हम 150 का क्रिएट किए हुए हैं पूरे सिलॉग पे, उस पर आप एकदम बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि बहुत बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास कीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितना बार आपको समझ में नहीं आता है पूछने का प्रयास कीजिए छात्रगण। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप इसमें बहुत अच्छा कर देंगे। क्लियर हो गया अच्छी तरह से? तो ये क्यों नहीं निकला एकदम समझ में आ गया? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव बनाता है। अब देखिए ये नेगेटिव है, एकदम निकलना चाहिए इसको। अब देखिए लैंप कितना है, 50 रुपया का। पहले लैंप और रंगीन का है, लैंप ऊपर है रंगीन नीचे है ना। लैंप कितना रुपया का, 50 रुपया का। ये है 100 रुपया का, यहाँ पर 50 खरीदा जाएगा। रंगीन यहाँ 50 का है, रंगीन यहाँ कितना का है, 100 रुपया का है। और यहाँ रंगीन कितना का है, 50 रुपया का है। ठीक है ना, रंगीन यहाँ 100 रुपया का है, रंगीन कितना का है, 50 रुपया का है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ इस स्टेटमेंट में कह रहा है प्लस माइनस। क्या होता है माइनस? लैंप कहाँ है, ऊपर। रंगीन कहाँ है, नीचे। तो बताइए ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एकदम 100% निकल गया। लैंप आपके पास 100 रुपया है, इसका 85 रुपया कीमत है। रंगीन आपके पास 100 रुपया है, रंगीन आपके पास 50 रुपया है। ये तो आपका कन्फर्म निकल गया। निकला कि नहीं निकला? दो कन्फर्म निकल गया, क्योंकि ये तो एकदम 100% निकल गया, ये कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। क्लियर है, निकल गया। अब एक चीज और आप ध्यान लगाइए, एक काम खाली इसमें बच्चा को और करना होता है। दो एकदम कन्फर्म निकल चुका है, लेकिन यहां देख लीजिए सीधे सीधे कंक्लूजन पर आप आइएगा। कंक्लूजन में आप देख लीजिए, एक है लैंप, एक है रंगीन, एक लैंप और रंगीन। दोनों का जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो कल हम बता रहे थे, वो दोनों का मेरा कैसा है, बिल्कुल एकदम सेम है। इसका भी लैंप है लैंप, रंगीन रंगीन। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट मेरा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है ना, इस पर चर्चा करेंगे विशेष आज की क्लास में। लेकिन चूंकि यहां पर मेरा दो कन्फर्म निकल चुका है, इसलिए इसकी चर्चा हम सब थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो गया, कंक्लूजन नंबर दो। फिर एकदम अच्छा से क्लियर हो गया दोनों का कहानी। देख लीजिए कहानी क्या था बाबू, प्लस और माइनस का रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, माइनस। देखिए आप फिर समझा देते हैं, बोले सर पहला क्यों नहीं निकला, लैंप और रंगीन क्यों नहीं निकलेगा? ऐसा इसलिए कि लैंप ऊपर है और रंगीन कहाँ है, नीचे है। हमने आपको पहले ही कहा कि जब कथन मर्ज करता है, जब स्टेटमेंट मर्ज करता है, स्टेटमेंट मर्ज कर रहा है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो मर्जिंग की स्थिति में क्या होगा कि ऊपर और नीचे और नीचे ऊपर हम लोग जाते हैं। वैसी स्थिति में एकदम रूल फॉलो ऑफ होता है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो रिजल्ट हमेशा माइनस होगा। इन द सेकंड केस आप देख लीजिए, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है, लैंप ऊपर था रंगीन नीचे था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या रिजल्ट दिया, नेगेटिव। तो ये रिजल्ट निकल गया, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, निष्कर्ष दो सही है। हम सोचे कि इधर पेयर इसी में समझा दे, लेकिन नहीं। अभी जब दूसरी बात, हमने आज की टॉपिक शुरू की है इधर पेयर की पहचान करना, ये क्वेश्चन इधर पेयर का नहीं लिए, ये इधर पेयर का नहीं था। तो आपको जैसे 150 का रूल लगाते हैं, आपको वही रूल लगाना है 150 का, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यदि इन दोनों कथनों में से कोई भी कथन नहीं निकलता, इन दोनों में से कोई भी कथन नहीं निकलता, तब हम लोग चलते चलते ये नहीं मार देंगे कि ना तो एक ना तो दो, चलते चलते हम लोग चेक करेंगे इधर पेयर की पहचान करना। आइए अगले प्रश्न पर, सीधे आपको इधर पेयर पर लेके चलते हैं। ये तो कल का ही पढ़ाई करवा दिए, ये क्वेश्चन आज नेगेटिव स्टेटमेंट वाला बनवा करके दिखा दिए। तो हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा साथ साथ चलेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव बनाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कहीं कहीं गलत करेंगे। ठीक है ना, आइए अब सीधे आपको लेके चलते हैं इधर पेयर वाले प्रश्नों पर। तो छात्रगण नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं, अपना काम कर लीजिए, कोई छड़ी फुल नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखिए जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव आता है ना, बच्चा का माइंड खड़ा हो जाना चाहिए। कुछ के लिए आप मार्क्स कितना देने जा रहे हैं, 50 50। कोई के लिए मार्क्स आप कितना दे रहे हैं, 100 100। स्टेटमेंट में कुछ के लिए 50 50, कंक्लूजन में कोई के लिए 100 और 100। ये आपने दे दिया दोनों के रिस्पेक्ट में। इसके बाद हम सब देखते हैं छात्रगण, जो हमारा कॉमन वर्ड है छड़ी और छड़ी, 100 और 50 150, यानी कहीं से कहीं हम लोग जा सकते हैं, कोई कंसेप्ट दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए कैलेंडर और फूल कहाँ पर है, कैलेंडर ऊपर है फूल नीचे है। कैलेंडर कितना रुपया का है, 50 रुपया का है, फूल कितना है, 100 रुपया का है। कैलेंडर 50 फूल 50 का, आराम से खरीदा जाएगा। लेकिन ये नहीं निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कैसा प्रस्तुत करता है, नेगेटिव। इसलिए ये नहीं होगा, ये कंक्लूजन का पार्ट नहीं रहा,
एकदम ध्यान से देखिएगा, ये कभी कंक्लूजन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, मेरा सब कुछ मिल गया है, 50 और 100 मर्ज भी हो रहा है स्टेटमेंट, लेकिन मर्ज के साथ एक दूसरी कंडीशन हमारे साथ लागू है कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा मेरा नेगेटिव स्टेटमेंट बनाता है, अर्थात ये नहीं होगा। आइए चेक करते हैं कैलेंडर और फूल। कैलेंडर ऊपर है, फूल नीचे है। कैलेंडर 50 रुपया का है, यहाँ कैलेंडर 100 रुपया का है। 50 रुपया आपका इनकम है क्या? 100 रुपया का सामान आप खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। कहानी क्लोज कर दीजिए। अर्थात ना तो एक और ना दो, दोनों में से कोई भी कथन जो है, कोई भी निष्कर्ष जो है दिए गए कथनों से नहीं निकाला जा सकता था। छात्रगण, ऊपर के कथनों से नीचे के दोनों निष्कर्ष कदापि ज्ञात नहीं किए जा सकते थे, नहीं निकाले जा सकते थे। अब सवाल फिर वहीं लौट करके आइए। अब आपके पास ऑप्शन तो था ना तो निष्कर्ष एक ना तो निष्कर्ष दो, ये तो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4 था, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो। लेकिन नहीं, आपको वहां पर भी एक काम करना है। काम क्या करना है कि जैसे ही आपको आप ये मारने जा रहे हैं कि ना तो निष्कर्ष एक ना तो निष्कर्ष दो, आपको चेक करना है यही इधर पेयर, जिसको बोलते हैं या तो निष्कर्ष एक या दो। और बहुत आसान है इधर पेयर की पहचान करना। इतना काम कर लीजिएगा, उसके बाद सिंपल चेक कीजिए दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कैलेंडर फूल, कैलेंडर फूल। यदि निष्कर्षों का, अभी हम नोट्स लिखा देंगे आपको, यदि निष्कर्षों में, कथन पे मत जाइएगा, निष्कर्षों में, यदि निष्कर्षों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों निष्कर्षों का समान हो, एकदम एक जैसा हो, ये फूल इधर हो सकता था, कैलेंडर इधर हो सकता था, फूल यहाँ यहीं रहता, कैलेंडर यहीं रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि समान हो, साथ ही साथ एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव हो, तो ऐसी स्थितियों में इधर पेयर का निर्माण होता है। देखिए, कुछ रिस्पेक्ट में तो हम कह सकते हैं ना बाबू ये कुछ कैलेंडर फूल है, लेकिन क्या कंफर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कुछ रिस्पेक्ट में तो हम कह सकते हैं कोई कैलेंडर फूल नहीं है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्पेक्ट में नहीं कह सकते हैं। बस इन्हीं चीज को बेस बनाते हुए छात्रगण हम सब ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाने में क्या हो जाते हैं? कामयाब हो जाते हैं। बात एकदम पूरा अच्छी तरह से क्लियर में हो गया। चलिए अब इसी पर हम सब जम के आज क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और इधर पैर की पहचान करेंगे। आपको मैंने पहले ही कहा, जहां एग्जाम में आप एक ठो पॉजिटिव एक ठो नेगेटिव स्टेटमेंट देखते हैं, एक बार देखिए, बना के जरूर देख लीजिएगा। रिक्स आजकल नहीं लिया जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज बी डेंजरस, है ना। इसलिए एक बार 150 से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, इधर पैर पे अपना पकड़ बना लीजिएगा। आइए थोड़ा सा नोट्स ले लीजिए, इधर पैर की पहचान कैसे करते हैं, नोट्स लिखिए, बुलेट लगाइए यहीं पे, यहीं पे इस तरह से अपना, है ना, नोट्स बना करके ऐसे करके नोट्स लिखिए, है ना। 150 के नियम से, 150 के नियम से प्रश्नों को, 150 के नियम से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। 150 के नियम से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हो गया, लिख लिए। हाँ, जब इस नियम के आधार पर मेरा कोई भी निष्कर्ष ना निकले, जब इस नियम के अनुसार से मेरा कोई भी निष्कर्ष ना निकले, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में इधर पेयर, तो ऐसी स्थिति में इधर पेयर वाला आंसर चेक करना है, तो ऐसी स्थिति में इधर पेयर वाला आंसर चेक करना है। फुल स्टॉप, नीचे बुलेट। यदि निष्कर्षों में, यदि निष्कर्षों में एक पॉजिटिव निष्कर्ष तथा दूसरा नेगेटिव निष्कर्ष दिया हुआ हो,
एक पॉजिटिव निष्कर्ष तथा दूसरा नेगेटिव निष्कर्ष दिया हुआ हो। यदि निष्कर्षों में एक पॉजिटिव निष्कर्ष तथा दूसरा नेगेटिव निष्कर्ष दिया हुआ हो तो ऐसी स्थितियों में साथ ही साथ ऐसे तो ऐसी स्थितियों मत लिखिए दिया हो, साथ ही साथ दोनों निष्कर्षों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जनरली इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं और इसको प्रेडिकेट बोलते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो दोनों साथ ही साथ दोनों निष्कर्षों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए। ये ऑर्डर चेंज रहेगा तो ऑर्डर से गड़बड़ी मत करिएगा, फूल इधर भी लिखा हो सकता है, कैलेंडर ऐसे भी लिखा हो सकता है, उससे गड़बड़ाइएगा नहीं, दोनों बस सेम होना चाहिए। साथ ही साथ सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों निष्कर्षों के समान होने चाहिए। इस स्थिति में दिए गए कथन ईदर पेयर, ब्रैकेट खोल दीजिए, लिखिए या तो एक या दो, अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। That's it। समझ में आ गया अच्छी तरह से एकदम। आइए आपको कई प्रश्न पर आपको आज इधर पैर की पकड़ क्रिएट करवा देते हैं और एकदम परफेक्ट आपको बना देते हैं इधर पैर पकड़ने के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। छात्रगण प्रश्न आपके पास रेडी है एकदम, देखिए कैसे हम बना रहे हैं एकदम जैसे आप करते हैं। आपको कुछ मालूम नहीं कि क्वेश्चन इधर पैर पर सेट है कि क्या है, जैसे आप करते हैं। कुछ वालों को आप कितना मार्क्स देते हैं? 50-50। कुछ वाला को कितना मार्क्स देते हैं? 50-50। कोई वाला को कितना मार्क्स देते हैं? 100-100। कुछ वाला को कितना मार्क्स देते हैं? 50-50। हो गया कि कहानी क्लियर हो गया एकदम। चलिए आगे, आप सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव निकलता नहीं है, तो इसके पास हम जाएंगे भी नहीं, सिर्फ इसको देखेंगे। यहाँ पहले मर्ज देख लीजिए, पेंसिल 50 का है, पेंसिल 50 का है, 50 और 50 कितना होता है? 100। यानी स्टेटमेंट मर्ज भी नहीं होगा, स्टेटमेंट मर्ज भी नहीं होगा। देखिए अभी पेन भी पकड़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपने सबसे पहले चेक किया दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निष्कर्ष नेगेटिव था, आपने पहले ही काट दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव निकलता ही नहीं है। फिर आप दोनों में कॉमन वर्ड निकाले, 50-50-100 हो गया, आप सीधे समझ गए कि स्टेटमेंट मर्ज भी नहीं होगा। बस बोतल और ग्लास, बोतल ऊपर है ग्लास नीचे, किसी कीमत पर यह स्टेटमेंट निकलेगा नहीं, क्योंकि जब स्टेटमेंट मर्ज ही नहीं हुआ तो ऊपर से नीचे हम कहां पर आएंगे। कहानी क्लियर हो गया? बस अब आप सीधे कहानी आपका बन गया, अब आपको केवल इधर पैर चेक कर लेना है। चलते चलते मैंने आपको वही बताया, अब देख लीजिए एक स्टेटमेंट आपका कैसा है? नेगेटिव है, और दूसरा स्टेटमेंट आपका कैसा है? पॉजिटिव है। यहां क्या है? ग्लास बोतल, यहां पर क्या है? बोतल ग्लास। देखिए दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हुआ ना, ये इधर उधर चेंज रहेगा, उसे घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, सेम हो गया। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही है। हो गया, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही है, कहानी भी क्लोज हो गया। तो छात्रगण आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त रूप से इधर पेयर की पहचान करना हम सब उन्होंने सीख लिया है। आइए और एक दो एग्जांपल बना करके आपको प्रस्तुत करते हैं, सो दैट कि पूरा ये एकदम टॉपिक जो इधर पेयर का है एकदम कहानी खत्म कर दीजिए आज की क्लास में, एकदम से हैंडी बना लीजिए सीधे चैप्टर को एकदम, कि सर इधर पेयर की पहचान अब मेरा क्लियर हो चुका है। सिंपल सा बात है, इस कंक्लूजन अगर ना निकले तो एकदम एक बार आपको इधर पेयर की पहचान कर लेनी है। आइए आगे के प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलते हैं। अब हम पेन भी नहीं पकड़ेंगे इस बार हमको पेन पकड़ना भी हमको जुर्म होगा, ठीक है ना। चलिए पहला है सभी, इसको कितना दीजिएगा? 100। इसको कितना दीजिएगा? 50। इसको कितना दीजिएगा? 50-50। हो गया, दोनों को मिला दीजिए, पानी। इसको दिए थे आप 50, ये भी था 50, 50-50-100, स्टेटमेंट मर्ज नहीं होगा।
ये क्लियर हो गया। चलिए निकालिए, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव निकलेगा नहीं, दूसरा का कहानी खत्म है। पत्थर और साफ, पत्थर ऊपर है साफ नीचे है, ये भी नहीं निकलेगा, कहानी खत्म हो गया। कुछ किए, पेन भी पकड़े आप, ये आप बना रहे हैं, सर नहीं बना रहे, संजय सर नहीं बना रहे हैं, ये मेरा बच्चा बना रहा है। अब मेरा बच्चा के पास इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही बखूबी अंदाज में बना सकता है। अब सीधे बस केवल इधर पैर देख लीजिए, पत्थर साफ, पत्थर साफ, दोनों का स्टेट ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम टू सेम हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आंसर हो गया इधर पैर। क्या कहना है? तो छात्र बहुत ही बिंदास अंदाज में, चूंकि आप बोलेंगे नहीं सर बना के दिखा दीजिए, चलिए बना के दिखा देते हैं। सभी यहां पर हो गया इसको, सॉरी इसको 100 और ये वाला कितना 50, कुछ वाला को 50 50, कुछ वाला को 50 50, कुछ वाला को 50 सॉरी कुछ नहीं वाला है ना, कुछ नहीं वाला को कितना देते थे 50 और 100 देते थे ना, हाँ 50 और 100। क्लियर हो गया? अब दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव निकलेगा नहीं, कहानी खत्म कर दीजिए। ये पत्थर और साफ है, पहले दोनों कॉमन वर्ड ले लिए, पानी पानी, दोनों का मार्क्स 100 आएगा, मर्ज होगा नहीं, पत्थर ऊपर है साफ नीचे है, स्टेटमेंट मर्ज होने से रहा, स्टेटमेंट मर्ज होगा ही नहीं होगा, कहानी क्लियर हो गया। अब हम लोग सीधे, जब स्टेटमेंट मर्ज नहीं होगा तो आगे की ओर बढ़ जाइए, आगे कहानी क्या कहेंगे। एक पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट आपका कैसा है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव पर हम लोग काम कर लेंगे। अब देखेंगे क्या, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पत्थर साफ, पत्थर साफ, एक पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, आंसर क्या हो जाएगा इधर पेयर। और इधर पेयर कहने का मतलब होता है या तो निष्कर्ष एक, या तो निष्कर्ष एक, या निष्कर्ष दो, या निष्कर्ष दो, मतलब इधर का मतलब होता है कंफर्म नहीं कर सकते, चाहे तुम निकलोगे चाहे ये निकलेगा। अब बोलिएगा सर इसका अंदर में जाइए तो डीप घुसिए तो काहे नहीं निकलता है, चाहे ये चाहे ये कह दे। क्या बोलता है, सभी पत्थर पानी है, जितना भी अगर ये पत्थर मान लेते हैं तो टोटल पत्थर मेरा क्या है पानी है, सभी पत्थर पानी है, कुछ पानी साफ है, देख लीजिए केवल ये वाला कुछ पानी क्या है मेरा साफ है, ये वाला पत्थर है और ये वाला है पानी, यही ना डायग्राम बनेगा जी, डायग्राम तो यही बना। अब देखिए निकलता है, बोलता है कि कुछ पत्थर साफ है, कुछ पत्थर साफ अब कैसे कहिएगा, ये कुछ पत्थर साफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चूंकि सभी पत्थर पानी है, चूंकि पत्थर पानी बन गया है तो सभी पानी पत्थर है नहीं है, कुछ पानी पत्थर है, तो जब कुछ पानी पत्थर है तो कुछ साफ भी पत्थर होगा, लेकिन कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता है। देख लीजिए पहला कहां से निकलेगा, दूसरा नेगेटिव में कहता है कि कुछ पत्थर साफ नहीं है, देखिए ये कह रहा है कुछ पत्थर साफ नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ पत्थर साफ नहीं, देखिए इतना पत्थर जो है आपका साफ नहीं है, ये तो कंफर्म निकल रहा है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये पत्थर है कि नहीं ये कंफर्म कहां हो पा रहा है, क्योंकि सभी पत्थर तो पानी बन गया है, तो ये पानी है कि पत्थर है ये तो क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये भी नहीं निकलेगा, यही इसका बेस है। इसी कारण ऐसे क्वेश्चनों के आंसर इधर पेर बन जाते हैं, या तो निष्कर्ष नंबर एक या निष्कर्ष दो। तो छात्रगण उम्मीद करते हैं कि इधर पेर का प्रश्न आपने बहुत अच्छा से सीखा होगा अब, और उम्मीद करते हैं कि अब आप एक भी प्रश्न परीक्षाओं में गलत नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप अब एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। मैंने दोबारा इस स्टेटमेंट को रिपीट किया है ताकि आप बहुत अच्छा से सीख जाएं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आपको हम 2 4 कितना भी निष्कर्ष दिया रहे, अब जब निष्कर्ष पर अब आपको गौर करना है, अब निष्कर्षों में क्या होगा कि 2 निकलेगा और 2 को इधर पेयर बनाएगा। इससे देखिए आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, जहां आपका 3 या 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां आपका 3 या 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, वहां पर आपका कान एकदम खड़ा हो जाना चाहिए। 3 और 4 निष्कर्षों में से 1 या 2 आपका निकलेगा, 1 या 2 आपका क्या होगा निकलेगा, और बाकी जो रेस्ट जो 2 होगा वो आपका इधर पैर बनाएगा। ये सब सारा ऑप्शन चेक करते हुए आप चलिएगा। आइए उसी प्रकार के प्रश्नों की ओर अब आपको लेकर के चलते हैं, उन्मुख करते हैं छात्रगण। तो छात्रगण देख लीजिए सारा कुछ सेटअप, सॉरी क्वेश्चन एक लिए हैं, कुछ पेन पेंसिलें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं निष्कर्षों के साथ। पहला काम आप क्या करेंगे, सभी को अपना बैठाते हुए चलेंगे, कुछ के लिए 50-50, कुछ के लिए 50-50,
कुछ के लिए 50-50, कोई के लिए 100-100, कुछ के लिए 50-50, सभी के लिए 150। सब कुछ सेटअप कर दिए, अब अपना आंसर निकालना शुरू कीजिए। कॉमन वर्ड कौन है? पेंसिल और पेंसिल। दोनों पेंसिल का मान कितना आएगा? 50 और 50 100, यानी कि हम स्टेटमेंट मर्ज नहीं कर पाएंगे। मर्ज का मतलब ना तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो नीचे से ऊपर। चलिए, पुस्तक पेन, पुस्तक कहाँ है? नीचे है। पेन कहाँ है? ऊपर है। जा ही नहीं सकते हैं, पहला निष्कर्ष, गोली मार दीजिए। पुस्तक पेन जा ही नहीं सकते थे, अभी तो जस्ट देखे, कहानी गोली मार दीजिए। और ऐसे भी ये नेगेटिव है, दो पॉजिटिव से नेगेटिव कहाँ से निकलेगा, कहानी खत्म। पुस्तकें पेंसिलें, देखिए पुस्तक है और पेंसिल है, ये निकलेगा। आप ध्यान लगाइएगा, आप बोलिएगा सर पेंसिल हम क्यों नहीं लेंगे, ऊपर वाला आपको पहले बताए हैं जहां दोनों लिखा हुआ रहेगा वो वाला लेना है। वो कल के ही क्लास में आपको बताए थे कि जहां पर जैसे पुस्तक और पेंसिल कर रहा, तो फिर ये पेंसिल मत लीजिएगा, वो पेंसिल पकड़ना है जो कि दोनों में एकदम एक साथ लिखा हो। पुस्तक पेंसिल जहां पर रहेगा वो वाला स्टेटमेंट आपको पकड़ना है, उसी स्टेटमेंट को लेकर के ये दिया हुआ ही रहता है। मर्ज के रिस्पेक्ट में ये नहीं दिया रहता है, वो फंसाने के लिए आपको केवल करता है। तो पुस्तक कितना है? 50 रुपया का। पुस्तक 50 रुपया का है, पेंसिल 50 का है, 50 का पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन, तीन एकदम निकल गया। आगे पुस्तक और पेंसिल, पुस्तक पेंसिल फिर देख लेते हैं। पुस्तक 100 रुपया का, यहाँ पुस्तक 85 रुपया आपके पास आ रहे, यहाँ 100 रुपया का है, यानी ये भी कहानी खत्म हो गया। ओके, आंसर आपका कौन सा आ गया? 3। लेकिन देखिए कहीं भी ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? केवल या तो 1, 2, 3 निकलते हैं, केवल या तो 1, 2, 4 निकलते हैं, केवल या तो 1 अथवा 3 निकलते हैं, केवल 1, 2 और 3 निकलता है, नहीं। अब ध्यान लगाइए, यहाँ पर आपके पास एक ही कंक्लूजन निकल करके आया और वो कंक्लूजन है आपका नंबर 3, कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं। ओके, अब हम लोग इन दोनों कंक्लूजन पर सीधे सीधे निकालेंगे कि दोनों जो मेरा कंक्लूजन यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों कंक्लूजन जो ये बोथ ऑफ द कंक्लूजन मेरा जो दिया हुआ है, ये दोनों कंक्लूजन जो है इधर पेयर तो नहीं बना रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा कौन है? नेगेटिव है। या फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम लोग देख लेंगे, जो नहीं निकला है उससे मिला लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे पुस्तक पेन, पुस्तक पेन, पुस्तक और पेंसिल है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो मिला नहीं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पुस्तक पेन, पुस्तक पेन, ये दोनों इधर पेयर बना लेगा। क्लियर है ऑप्शन? चलिए केवल, अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए कितना अच्छा ऑप्शन दिया हुआ रहता है, केवल या तो 1 या 2, केवल या तो 1 या 2 और 3 निकलता है। देखिए 3 तो कंफर्म निकल रहा था, कितना आंसर अच्छा आंसर में दिया हुआ है कि 1 और 2 इधर पेयर बना रहा है और 3 क्या हो रहा है? निकल रहा है, तो केवल या तो 1 या 2 ये बताए हैं, इधर पेयर का यही ऑप्शन होता है और 3 निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? नंबर 1। तो बहुत ही आसान तरीके से छात्रगण ऐसे प्रश्नों का जवाब हम सब दे पाते हैं। बस आपसे मुझे एक ही रिक्वेस्ट करना है, एक ही गुजारिश मैं आपसे कर रहा हूं कि आंसर मारने से पहले, आंसर देने से पहले आप एकदम अच्छी तरह से, बहुत बहुत अच्छी तरह से ऐसे प्रश्नों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना? आइए अब आपको आगे की ओर लेके चलते हैं और एक आध क्वेश्चन ऐसे टाइप में बना करके आपको दिखा देते हैं। एक कंप्लीट क्वेश्चन फिर लिख करके लाए हैं छात्रगण। सिलॉक का कथन है, कुछ छड़े वृक्ष हैं, कुछ वृक्ष फूल हैं। निष्कर्ष है, कुछ छड़ फूल हैं, कुछ फूल वृक्ष हैं, कोई छड़ फूल नहीं है, कुछ वृक्ष छड़ हैं। पहले जैसे जैसे काम करते हैं एकदम अपना काम कर लीजिए, ऑप्शन भी लगा दिए हैं। कुछ वाला को मार्क्स कितना देते हैं हम लोग? 50-50। कुछ वाला को मार्क्स कितना देते हैं? 50-50। वृक्ष वृक्ष मिला लीजिए 100, यानी मर्ज भी नहीं होगा, यहीं पर क्लियर कर लीजिए। कुछ वाला को 50-50, कुछ वाला को 50-50, कुछ वाला को कोई नहीं है तो 50 और 100, और कुछ वाला को 50 और 50, ये नेगेटिव है, कहानी खत्म कर दीजिए। दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव निकलेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, छड़ और फूल, छड़ कहाँ है? ऊपर है, फूल कहाँ है? नीचे है, नहीं निकलेगा कहानी। फूल और वृक्ष, हाँ फूल और वृक्ष, यही वाला लेना है, ये वाला वृक्ष नहीं लेंगे, पहले बताएं कि जिसमें दोनों एक साथ लिखा रहेगा वही लेना है। फूल 50 रुपये का है, वृक्ष 50 रुपये का है, फूल 50 रुपये का है, वृक्ष 50 रुपये का, 2 निकल गया, 3 तो निकले, 4 वृक्ष और छड़, वृक्ष और छड़, ये वृक्ष नहीं लेंगे क्योंकि दोनों एक साथ जहां लिखा रहेगा, वृक्ष 50 का है, छड़ 50 का है, वृक्ष 50 का, छड़ 50 का, निकल गया 2 और 4 कंफर्म निकल गया एकदम अच्छा से। अब हमको केवल देख लीजिए इधर पेयर तो नहीं बना रहा, देखिए ये दोनों पहला और तीसरा इधर पेयर बना रहा है, छड़ और फूल, छड़ और फूल, एक ठो वैल्यू पॉजिटिव और एक ठो वैल्यू नेगेटिव। तो आंसर क्या मेरा निकल के आएगा? 1 और 3 मेरा इधर पेयर बनाएगा और 2 और 4 क्या होगा? निकलेगा। क्या हो जाएगा? केवल या तो 1 या 3
केवल या तो एक, ठीक है एकदम, केवल या तो एक या तीन, और दो एवं चार निकलते हैं, दो और चार निकलते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन हो गया नंबर दो। उम्मीद करते हैं छात्रगण कि इधर पेयर की पहचान करना अपना अपने आज की क्लास में सीखा होगा। आंसर बनाने से पहले बाय यूजिंग द रूल ऑफ द 150, 100 और 50 के नियम के यूज करने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कौन सा निष्कर्ष मेरा निकल रहा है, उस निष्कर्ष को निकाल लें। निकालने के बाद अब आपको एक ही चीज चेक करना है और वो है इधर पेयर। इधर पेयर की पहचान करना बहुत ही आसान है। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, एक कंक्लूजन नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाने के बाद दोनों में देख लीजिए उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों समान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दोनों निष्कर्ष इधर पेयर का निर्माण करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत ही मनोयोग से, बहुत ही पूरे घंटे भर की क्लास मैंने इधर पेयर पे आपसे आपके सामने ली है छात्रगण। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे इधर पेयर को आपने बहुत ही सुंदर अंदाज से, बहुत ही तरीके से समझने का प्रयास किया होगा छात्रगण। आज की क्लास भी यहीं पे हम सब समाप्त घोषित करते हैं छात्रगण, इस वादे के साथ में कि कल की क्लास में मुलाकात करेंगे और तीन कथन आपके पास लेकर के आ रहे हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब बखैर, बाय।